हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, और उससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बिल्कुल डिटेल में जाना था, उसके रूल्स को जाना था, कैसे उस टेंस में हम वाक्य को, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, वो भी हमने जाना था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आखिरी टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने बाकी सारे टेंसेस पढ़ लिए हैं, सेंटेंसेस सारे टेंसेस के बना लिए हैं, अब जो हमारा लास्ट बचा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम इसी टेंस के वाक्यों को डिस्कस करने वाले हैं, हम क्या रूल लगाएं, किस तरह से सेंटेंस बनाएं, वो सब आज हम इसी टेंस में डिस्कस करने वाले हैं। सो करते हैं शुरू फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमें करनी होती है पहचान। सो पहचान के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आपको मैं समझा देता हूँ। वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। जो इस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जिस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस के अंतर्गत आते हैं, उनके लास्ट में, अंत में जो है वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से शब्द आते हैं, ठीक है। सेंस के तौर पर कुछ और भी आ सकता है, लेकिन मतलब यही होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। साथ ही समय सूचक शब्द के साथ से या तक का प्रयोग होता है। समय सूचक शब्द के साथ से या तक का प्रयोग होता है, इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप समय सूचक शब्द यानी कि जैसे जो किसी समय के बारे में बताते हो, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, चार दिन से, दस दिन से, तो इस तरह के शब्दों को हम समय सूचक शब्द कहते हैं, और उनके साथ जो है से या तक का उपयोग होता है, जैसे 5 बजे तक या 2 दिन से, इस तरह का वाक्य इसमें आता है, ठीक है। से और तक का सेम वही, इनके लिए क्या यूज़ करना है, सिंस, फॉर कैसे यूज़ करना है, वो सब पहले रूल्स के अकॉर्डिंग है। से जिस चीज़ के लिए यूज़ होता था उसी चीज़ के लिए यहाँ पर भी यूज़ होगा, और तक भी उसी चीज़ के लिए यूज़ होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। अभिव्यक्त यानी बयान करने के लिए या बताने के लिए, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के को अभिव्यक्त करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे, यानी भविष्य में जो है ये वाक्य जारी रहेंगे। यानी कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है कि जो राम है वो 4 बजे तक क्रिकेट खेलता रहेगा, ये भविष्य में जो है, भविष्य में और जारी भी रहेगा, भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले जो वाक्य हैं वो इसमें आते हैं, इस टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं अफर्मेटिव के सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या सेंटेंसेस होते हैं? सकारात्मक वाक्य, यानी कि जिनमें नॉट का उपयोग नहीं होता है और कोई इंटरोगेटिव वर्ड भी नहीं आता है, कोई इंटरोगेटिव वर्ड भी नहीं आता है। क्या रूल है जल्दी से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट है सबसे पहले अपना कर्ता, उसके बाद विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और शैल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है अफर्मेटिव में। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को जोड़ते हैं, जैसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस में करते थे, जैसे हम सारे कंटीन्यूअस टेंसेस में करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देते हैं, ऐसे इसमें भी करना है। उसके बाद हमारा अन्य यानी ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस, फॉर, टिल, बाय, कुछ भी आता है, तक आता है, से आता है, और फिर जो समय दिया होता है 2 दिन से, 4 बजे से, वो लास्ट में हमें लिखना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या टिल या बाय प्लस टाइम। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, लता सुबह से गीत गाती रही होगी। लता सुबह से गीत गाती रही होगी, तो ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को अभिव्यक्त कर रहा है, इसके रूल को अभिव्यक्त कर रहा है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। तो हम इसको इसी के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट देखना होगा हमें पहले। हमारा सब्जेक्ट है लता, क्योंकि लता ही है जो गीत गाती रही होगी, ठीक है। हम लिख लेते हैं लता, एल ए टी ए, लता, ठीक है। उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से क्या लगेगा, वही जो पहले यूज़ कर रहे थे। शैल के, शैल हमें, हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर आई और बी होता है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं होती है, ठीक है। बाकी सबके साथ विल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर विल यूज़ होगा। सो लता विल हैव बीन, लता विल हैव बीन, इतना हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गीत गाती रहेगी, तो गाने को क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। लता विल हैव बीन और सिंग में जोड़ेंगे आई एन जी, लता विल हैव बीन सिंगिंग, एस आई एन जी आई एन जी, सिंगिंग अ सॉन्ग,
सिंगिंग अ सॉन्ग, कब? सुबह से, लता सुबह से गीत गाती रही होगी, गीत को बोलते हैं सॉन्ग। लता विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सुबह से के लिए हम यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग, morning, मॉर्निंग। लता विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह दो दिन से क्रिकेट खेलता रहा होगा। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? वह यानी ही, लिख लेते हैं ही। अब इसके साथ विल हैव बीन लेगा या शैल हैव बीन लेगा? विल हैव बीन लेगा। ही विल हैव बीन, विल हैव बीन, उसके बाद क्या क्रिया हो रही है? खेलता रहेगा, तो खेलने को बोलते हैं प्ले, और प्ले में आई एन जी जोड़ेंगे। He will have been playing, playing. He will have been playing, क्या खेलता रहेगा? Cricket, cricket. He will have been playing cricket, कब से? दो दिन से. So, दो दिन से के लिए हम क्या यूज करेंगे? For two days. He will have been playing cricket for 2 days. ये इस तरह बनेगा। तो ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनके कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू रूल्स को समझ लेते हैं। नंबर दो है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नॉट का उपयोग होता है, यानी नॉट का यानी नहीं का उपयोग होता है, ठीक है? क्या रूल है लिख लेते हैं। सबसे पहले एस यानी सब्जेक्ट, हमारा कर्ता, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर या टिल या बाय, उसके बाद टाइम, ठीक है? सिंपल है, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी को जोड़ते हैं प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर करके टाइम कर देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, यानी विद्यालय, हम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो नहीं आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो बनाते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से। क्या है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हम, क्योंकि कौन नहीं जा रहे होंगे स्कूल? हम, तो हमको बोलते हैं वी। अब वी के साथ शैल लगता है या विल लगता है? तो शैल लगता है वी के साथ, आई और वी के साथ शैल लगता है, तो वी शैल। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, वी शैल नॉट हैव बीन। अब उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या हो रही है? जाना, जाना यानी गो, गो में आई एन जी जोड़ेंगे तो गोइंग बनेगा। We shall not have been going, G-O-I-N-G. We shall not have been going कहाँ पर? School, school के लिए to preposition लगा करके to school. We shall not have been going to school January से, कब से? January से, तो यहाँ पर क्या use करेंगे? Since January, January. We shall not have been going to school since January. ठीक, next देख लेते हैं। वह दो दिन से वहाँ नहीं खेलता रहा होगा, क्या? वह दो दिन से वहाँ नहीं खेलता रहा होगा, ठीक है? हमारा सब्जेक्ट कौन है? ही। इसके बाद क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, सो ही के साथ क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? विल लेगी या शैल लेगी? विल लेगी। ही विल नॉट have been, उसके बाद खेलने को बोलते हैं play, play में ing जोड़ेंगे, playing, playing, he will not have been playing, कब से? दो दिन से, और क्या? अच्छा, क्रिकेट यहाँ पर नहीं है, वह दो दिन से वहाँ नहीं खेलता रहा होगा। he will not have been playing for two days, days. He will not have been playing for 2 days. वह दो दिन से वहाँ नहीं खेलता रहा होगा। तो ये तो थे affirmative और negative sentences. अब मैं आपको समझाने वाला हूँ interrogative sentences, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। Interrogative sentences ऐसे sentences होते हैं जिनमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा होता है, या फिर वो क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या वह वहाँ खेलता रहा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने इसका रूल जो है वो बोर्ड पर लिख लिया है, मैं आपको समझा देता हूँ।
सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड आता है, यानी कब, क्यों, कैसे, यानी वाई, वेयर, वेन, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। उसके बाद शैल या विल लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, बाकी सब सेम है, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट तब लगाते हैं अगर वाक्य के अंदर नॉट आया है, यानी नहीं का उपयोग हुआ है, ठीक है। और नॉट को हमेशा सब्जेक्ट के बाद और हैव बीन से पहले लगाते हैं, यानी इन दोनों के बीच में। गलती क्या हो जाती है, कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच, सॉरी, हैव और बीन के बीच में नोट को लगा दिया जाता है, यानी बन जाता है हैव नोट बीन, सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हैव नोट बीन। वो गलत है, ऐसे नहीं करना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाना हैव बीन से पहले, तब ही सही है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। वह तुम्हारे साथ 2 दिन से क्यों नहीं रह रहा होगा। तो यहाँ पर क्यों आया है, तो क्यों का मतलब एक इंटरोगेटिव वर्ड है, तो इसके लिए क्या, इसकी इंग्लिश लिख लेंगे सबसे पहले। इसकी इंग्लिश होती है वाई, WHY, हमने लिख लिया वाई। उसके बाद शैल या विल में से लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट हमारा है वह, तो वह यानी ही के साथ विल लगाते हैं हम, सो वाई विल, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे ही। अब नोट आया है क्या, जी बिल्कुल आया है, नहीं का उपयोग हुआ है तो नोट भी लगाएंगे, वाई विल ही नोट, वाई विल ही नोट। उसके बाद हैव बीन, हैव बीन, Why will he not have been? अब वर्ब क्या हो रही है, रह रहा होगा, रहने को बोलते हैं लीव, लीव में आई एन जी जोड़ेंगे, LIVING, लीव। Why will he not have been leaving? कहाँ, तुम्हारे साथ 2 दिन से, तुम्हारे साथ 2 दिन से, ऑब्जेक्ट हमारा है तुम्हारे साथ, सो विथ यू, WITH विद, YOU, कब से, 2 दिन से, 2 दिन से यानी for 2 days, फॉर टू डेज। आपको मैंने सिंसियर फॉर कहाँ लगाना है वो बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या तुम 3 बजे से अध्ययन कर रहे होंगे, क्या तुम 3 बजे से अध्ययन यानी स्टडी कर रहे होंगे। तो ये क्या से शुरू हुआ है, तो इसका तो उसमें कोई रोल नहीं है, यहाँ से शुरू होगा। अब विल लगाएंगे या शैल, सो यू यहाँ पर आया है तो हम यहाँ पर विल लगाएंगे, सो विल यू, विल यू। इसके बाद नहीं आया, नहीं नहीं आया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हैव बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा, तुम हमने लिखते हैं, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन। इसके बाद क्रिया क्या हो रही है, अध्ययन कर रहे होंगे, अध्ययन करने को बोलते हैं स्टडी, और स्टडी में आई एन जी जोड़ देंगे, विल यू हैव बीन स्टडिंग, STUDYING, Will you have been studying, कब से, 3 बजे से, 3 बजे से, so since 3 o'clock, CLOCK, क्लॉक, और फिर क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, क्या तुम 3 बजे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ और एग्जांपल्स साझा करूंगा, डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके और ज़्यादा कठिन वाक्यों को समझेंगे जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं या जिनमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन वाक्यों को देख लेने के बाद आप समझ जाओगे कि इन उन वाक्यों को भी कैसे बनाना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एग्जांपल्स के साथ।